हे गाइस, वेलकम टू द बैक माय ट्रिक पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने फेसबुक डिसेबल्ड अकाउंट को रीओपन कैसे करें। यानी कि दोस्तों, जो आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो जाता है उसके बाद अगर आप ओपन नहीं कर पाते हैं तो इसे ओपन कैसे करें। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके, देन बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, साथ में ही ऑल पे भी क्लिक कर दें जिसमें आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइस, सबसे पहले आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, जो हमारा फेसबुक अकाउंट है यहां पे डिसेबल्ड हो चुका है, आपके सामने शो हो रहा है योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। ओके, मतलब कि दोस्तों क्या होता है कि जो फेसबुक अकाउंट होता है डिसेबल्ड क्यों होता है, इसका एक कारण है। मतलब कि आप लोग जो फेसबुक में पोस्ट वगैरह करते हो या कमेंट्स करते हो, ये फेसबुक गाइडलाइंस के खिलाफ करते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी आईडी अगर हर जगह पे लॉगिन करोगे, मतलब कि अदर डिवाइस पे भी बार बार लॉगिन करते जाओगे ना, तो भी आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपका अकाउंट जो रहता है कोई मिसयूज़ कर रहा है इस वजह से। तो दोस्तों, इसे रीओपन कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सो फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउजर या बिया ब्राउजर या कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और अपना जीमेल और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लेना है। यानी कि आपका जो फेसबुक डिसेबल अकाउंट है उसे यहाँ पे एंटर कर लेना है, उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर आप अदरवाइज कोई सा यूज कर रहे हैं, जैसे एबिलाइट या कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो आपके सामने स्क्रीन इंटरफेस आ जाएगा, जस्ट हमें क्रोम ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, हमारे सामने कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है। तो जस्ट हमें करना क्या है मैं आपको इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों, सबसे पहले वो करना क्या है, अगर आप न्यू टैब बनाना चाहते हो तो आप न्यू टैब बना लो, वरना आप इसी URL पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मतलब कि जो आप पहले लिंक यूज करते थे वो लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से चेकआउट करा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पे कंफर्म योर आइडेंटिटी सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने जो है नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ, जस्ट हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। तो मैं पहला वाला लिंक छोड़ के मैं जो सेकंड वाला है इस पर क्लिक करता हूँ। यानी कि यहाँ पे पहले क्या होता था, यहाँ से अगर फॉर्म सबमिट करते थे तो हमारा जो है एक्सेप्ट हो जाता था, बहुत ही जल्दी हो जाता था। तो दोस्तों, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, हमारे सामने फॉर्म भरने का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है, ऑप्शन आ चुका है। जस्ट हमें करना क्या है, सबसे पहले अपना प्रूफ है वो यहाँ पे अटैच कर लेना है। अगर आप दोस्तों सोच रहे हो कि यहाँ पे जीमेल का शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे लॉगिन किए हो क्रोम ब्राउजर पे, ओके, इस वजह से। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपना प्रूफ यहाँ पे अटैच कर लिया है, यानी कि ये जिस भाई का अकाउंट है वो अटैच कर लिया है। सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ से कर देना है सबमिट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबमिट करते हैं तो क्या होता है हमारे सामने, क्या आता है इंटरफेस, ओके। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने जो सबमिट कर दिया है प्रूफ, हमारे सामने कुछ इस तरीके से एरर आ चुका है, यानी कि हमारा जो प्रूफ था सबमिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, स्कैनिंग मतलब ये है, जो पहले वाला लिंक था वो वर्क नहीं कर रहा है, ओके। तो सिंपली अभी आपको करना क्या है और इसका क्या प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको एक यहाँ पे लिंक दे दूंगा, यानी कि जो जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं आपको बताता जाऊँगा। तो जैसे कि आप यहाँ फिर देख सकते हो, URL पे मैं अगेन क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद सिंपली करना क्या है, मैं आपको ये जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के आई बटन पे दे दूंगा, सिंपली आप वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। तो जो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे सामने आ गया है, यानी प्रूफ अटैच करने का ऑप्शन आ गया। तो जस्ट यहाँ से मैं अपना प्रूफ अटैच कर ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने अपना प्रूफ अटैच कर लिया है। जस्ट हमें करना क्या है, यहाँ पे सेंड कर देना है। तो सबसे पहले आपको भी ऐसे कर देना है, सेंड कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से फटाफट सेंड करते हैं। तो जो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा प्रूफ सबमिट हो चुका है। उसके बाद अभी हमें अगेन क्या करना है, हमें अगेन करना क्या है, एक लिंक और मैं यूज़ करूँगा, उसका भी लिंक मैं अपने इस वीडियो के आई बटन पर दे दूँगा। और यानी कि जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सब मैं आपको दे दूँगा अपने आई बटन पर, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ, प्रिवेंटिंग लॉगिन इशू, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, तो हमारे सामने यहाँ पे दो लिंक आ चुका है। तो जस्ट हमें करना क्या है, हमें सिक्योरिटी चेक वाले पे क्लिक करना है, यानी कि ये जो नीचे वाला दिया है ऑप्शन रिपोर्ट और लॉगिन वाला, इस पर नहीं क्लिक करना है, ओके। तो जस्ट यहाँ पे आपको कर लेना है क्लिक। तो चलिए फटाफट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से क्रोम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप क्रोम पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो जस्ट सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना ईमेल यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो चलिए फटाफट फॉर्म ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा फॉर्म था यानी कि ईमेल था और यहाँ पे
स्क्रीनशॉट भी मैंने ले रखा था पहले से ही, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। तो जस्ट दोस्तों ये जो अपील है, ये मैं अपील अपनी इस वीडियो के आई बटन पे दे दूंगा, सिंपली आप वहाँ से कॉपी कर लेना। अगर आप कॉपी फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो ये अपील मैं अपने साइट पे भी डाल दूंगा, वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना, हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो अपील है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपली हमें करना क्या है, अब सेंड कर देना। तो चलिए फटाफट सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 स्टेप, ठीक है। पहला तो हो गया था, आप देख ही चुके थे, यानी प्रूफ अटैच किया था। दूसरा ये हो गया, एक और है, यानी कि हमें फीडबैक भी देना है, फीडबैक देना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फीडबैक के लिए, यानी कि ये जो भी लिंक मैं आपने यूज करूँगा, मैं तो पहले बता रहा हूँ कि आपको अपने इस वीडियो के आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया है, योर फीडबैक अबाउट प्रोफाइल, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से क्रोम को सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो चलिए फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। तो जस्ट आपको सबसे पहले जो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप कर लेना है, माई पर्सनल अकाउंट वॉज डिसेबल्ड, ओके। तो आप यहाँ से सब्जेक्ट पर टाइप कर देना, उसके बाद आपका जो ईमेल है मेल दे देना, और जो अपील था वो अपील यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। वही अपील मैं यूज़ कर रहा हूँ जो पहले यूज किया था। उसके बाद सिंपली करना क्या है, सेंड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मेन चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको आना है अपने जीमेल पे, ये हमारा मेन पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों जीमेल को ओपन कर लेते हैं, ओके। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मैंने ओपन कर लिया। जस्ट हमें करना क्या है, हमें कंपोज पे ओपन क्लिक कर देना है। तो आपको भी दोस्तों ऐसे ही कर लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आपका जो मेल, तो आपको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, शो हो रहा है, और अभी टू पे क्या करना है और सब्जेक्ट पे क्या करना है और यहाँ पे कॉम्पस मेल पे क्या देना है, तो आपको मैं आप इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका अपील है, अपील के साथ साथ मैं आपको ये मेल और सब्जेक्ट वगैरह भी सब दे दूंगा। सबसे पहले आपको ये जो डिसेबल वाला मेल है इसे कॉपी कर लेना है। तो चलिए फटाफट कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में एक छोटा सा कमेंट करके हमें जरूर बता देना वीडियो कैसा लगा। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें करना क्या है, सेकेंड स्टेप, यानी सेकेंड वाला जो मेल है वो भी यहाँ पे कॉपी करके यहीं पेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये जो सेकेंड पे है इस पर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये दोनों मेल हो गया है। अभी हमें करना क्या है, सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पेस्ट करना है हमें, यानी आप टाइप करना चाहते हो तो आप टाइप भी कर सकते हो, अगर पेस्ट करना चाहते हो तो आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपना अपील कॉपी कर लेते हैं। तो ये जो अपील है, ये अपील वही अपील है जो मैं पहले यूज किया हूँ, वही अपील आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपका ही जो जीमेल है आप में, आपके मोबाइल पे लॉगिन है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं है तो आपको इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे सब्जेक्ट पे टाइप कर दिया हूँ, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है अपना अपील। तो यहाँ पे जो अपील था मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद सिंपली अब हमें करना क्या है, अब हमें अपना इन्फॉर्मेशन देना है, यानी ये जिसका अकाउंट है उसके बारे में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि नेम क्या है, फेसबुक अकाउंट का नेम क्या है। और यहाँ पे चलिए फटाफट हम पूरा टाइप कर देते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह, जिसमें टाइम ज़्यादा ना लगे। तो अगर वीडियो लंबी हो जा रही है कोई बात नहीं है, बट स्किप मत करना, अगर स्किप करेंगे तो आपका समझ नहीं आएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो माई नेम, माई नेम के बाद यहाँ पे जो डॉट लगा है उसके बाद सिंपली आपको नाम लिख देना है, आपका जो फेसबुक नेम था वो यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपका जो फेसबुक डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, नाम तो यहाँ से दे दिए आप, अब अपना आपको डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे बताना है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट टाइप कर लेते हैं जो डेट ऑफ बर्थ है। उसके करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट मेल भी देना होगा, जो आपका ईमेल रहेगा, जिसमें आपके ही पास मतलब एक फेसबुक टीम की तरफ से कोई मैसेज आ सके जिससे आपके पास वो कॉन्टेक्ट कर सके, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मैंने फटाफट जल्दी जल्दी कर दिया जिसमें टाइम ना लगे। तो सिंपली उसके बाद करना क्या है, हमें यहाँ पे अपना अटैच कर लेना है प्रूफ। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये भी चेकआउट कर सकते हो कि जो ये प्रूफ है मैं अटैच कर लिया हूँ। सिंपली अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आइकन देख रहे हैं, इस आइकन पे आपको क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देना है। तो चलिए सबमिट
कर देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मैंने सबमिट कर दिया, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। तो जस्ट मैं करना क्या है, मैं आपको सबसे पहले चेकआउट करा दे रहा हूँ कि हमारा जो मेल था वो सबमिट हुआ है या नहीं। तो हमें सिंपली करना क्या है, इसके लिए थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद अपने सेंट वाले बॉक्स में आ जाना है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा जो अपील था वो सेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा अपील था यहाँ पे सेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें 3 से 4 दिन वेट कर लेना है। तब तक के लिए आपको अपना अकाउंट ओपन नहीं करना है, और उसके बाद सिंपली यहाँ से आप बैक आ जाना है। आपको बैक आने के बाद अपना अकाउंट लॉग आउट करके छोड़ देना है। जैसे ही आपके पास फेसबुक टीम की तरफ से कोई अपील्स आती है या कोई मैसेज आते हैं, उसके बाद अपना अकाउंट आप लॉगिन करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।